आप देख रहे हैं आज तक, और हम आपको दिखा रहे हैं कि मसरत आलम और सैयद अली शाह गिलानी जिस रैली में मौजूद थे वहां पर किस तरह की नारेबाजी हुई है, मसरत आलम ने किस तरह के नारे बुलंद किए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है उस भीड़ में, उस रैली में। अब जो आवाजें आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि वहां पर साझा सरकार का हिस्सा है, ये बात शामिल है कि देशद्रोह का मामला बनना चाहिए मसरत आलम के खिलाफ। पर है कौन ये मसरत आलम? 27 साल की उम्र है, अलगाववादी नेता है। 1991 की बात अगर हम करें तो उस वक्त हिजबुल का हिस्सा ये हो गया था और करीब एक दशक तक जेल में उसके बाद बंद रहा था। 2010 का ये वाकया देखिए, जब वहां पर पत्थरबाजी कश्मीर में शुरू हुई थी, जो युवा थे उनको बहका बहका कर पत्थरबाजी करवाता था, 112 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। उसके बाद 4 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद अभी हाल में इसे रिहा किया गया है और खूब सियासी बवाल मचा था उसके बाद से। मुफ्ती मोहम्मद सईद के कार्यकाल में मसरत की रिहाई तो हुई है, लेकिन मामला यह बना कि कड़ा मामला नहीं तैयार किया गया था कोर्ट में उसके खिलाफ। मसरत के खिलाफ 15 मामले लंबित हैं। हमारे संवाददाता से अभी अभी हुई बातचीत में मसरत आलम ने यह कहा है कि बहुत सारे मामले हैं, इसमें एक और मामला जुड़ गया तो इसमें क्या नया हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस शख्स की राजनीति को देखें, क्योंकि ये अलगाववाद का चेहरा नहीं है, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाता है, पाकिस्तान के पक्ष में लोगों को उकसाता है, भड़काता है। उस नजरिए से अगर देखिए तो सैयद अली शाह गिलानी की उम्र ढल चुकी है। सैयद अली शाह गिलानी की विरासत को अपनाने के चक्कर में इस तरह के ड्रामे नजर आते हैं जम्मू कश्मीर के भीतर। तस्वीरों में इस वक्त सैयद अली शाह गिलानी, जो कि लौटकर दिल्ली से पहुंचे तो एक भव्य स्वागत हुआ, चलने में कठिनाई दिखा रही है कि उम्र कितनी ढल चुकी है। मसरत आलम इसमें वो चेहरा जो अपने आप को कश्मीरियों की आवाज बताने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन दरअसल वो है तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाज और कुछ भी नहीं। इसीलिए जब नारे सुनाई दिए तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में सुनाई दिए तो कभी हाफिज सईद के पक्ष में सुनाई दिए, और झंडे उस भीड़ में लहराए तो पाकिस्तान के, लेकिन ये सिर्फ मुट्ठी भर कश्मीरी। पीडीपी की तरफ से ये बातें कही गई कि दरअसल ये आम बात है, इस तरह की के नारे लगते रहते हैं, इस तरह की रैलियां होती रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा होता रहता है तो अंकुश क्यों नहीं लगता है, कौन कौन है गुनहगार, क्योंकि पहले कोई और सरकार थी, अब दूसरी सरकार है, यानी चारों पार्टियां एक तरह से इसकी सरपरस्ती कर रही।